सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है रुबीना दिलैक ने, चलिए आपको बता दें पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। रुबीना दिलैक और सिद्धार्थ शुक्ला, जी हाँ, बिग बॉस सीजन 14 में हमने ये जो सीनियर जूनियर की जो भिड़ंत थी हमने देखा था, किस तरीके से हर सवाल का जवाब दे रही थी रुबीना दिलैक बिना किसी से डरे, और सिद्धार्थ शुक्ला भी जो उन्हें सही लग रहा था वो कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में जो छोटी मोटी जो मनमुटाव थी हमने देखा था, लेकिन जैसे शो में धीरे धीरे इनके रिश्ते भी अच्छे हो गए थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, बाहर जब से ये खबर आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला और रुबीना दिलैक एक साथ नजर आने वाले हैं, दोनों के एक साथ म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं, तो तब से ही फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उनमें क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा म्यूजिक वीडियो, किस तरीके से दोनों कैसे लगेंगे साथ में। तो ये सारी बातें लोग कह रहे हैं। तो इस पे बीच में अभी इंटरव्यू दिया है हाल ही में, गलत म्यूजिक वीडियो जो रिलीज हुआ है पारस छाबड़ा के साथ रुबीना दिलैक का, तो इसके दौरान वो इंटरव्यूज दे रही हैं, और इंटरव्यूज में उनसे जब पूछा गया कि फैंस जो आपका म्यूजिक वीडियो आने वाला है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि फैंस का कहना है कि एक तरफ सुपरस्टार और दूसरी तरफ बॉस लेडी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग और ब्लॉकबस्टर होगा जब दोनों साथ में आएंगे। तो इस पर रुबीना दिलैक कहती है कि नहीं, कोई ऐसा म्यूजिक वीडियो नहीं आने वाला, अब तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन होप अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ग्रेट एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। एक बहुत ही अच्छे इंसान है वो, हम देखा था हमने घर में, सीनियर थे वो हमारे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे इंसान है। तो अगर कुछ ऐसा उनके साथ प्रोजेक्ट आता है, कुछ ऐसा म्यूजिक वीडियो आता है, तो बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस होने वाला है भाई। तो फिलहाल के लिए जो फैंस बहुत ज्यादा खुश थे कि म्यूजिक वीडियो आने वाला है, तो रुबीना दिलैक ने बता दिया है कि अभी के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है उनके पास जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला हो, लेकिन वो डेफिनेटली काम करना चाहती हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एज अ पर्सन उन्हें पसंद है और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वो लेना चाहती हैं। तो इन सारी बातों पर आपका क्या कहना है, और क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला उनके ऑपोजिट हो, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आप सबकी राय, और देखते रहे फीफा फूस इसी तरीके की खबरों के।